हेलो फ्रेंड्स, किसी टॉपिक को किसी चीज को सीखने के पीछे दो रीजन होते हैं, दो बातें होती हैं। एक होता है विदाउट पर्पज, अर्थात बिना किसी उद्देश्य के। दूसरा होता है विद पर्पज, किसी उद्देश्य के साथ। देखिए, लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज बस विदाउट पर्पज सीखे चले जा रहे हैं। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, अक्सर ऑफलाइन क्लासेज में मेरी एक आदत थी, पढ़ाते पढ़ाते, माने कुछ भी पढ़ा रहा हूं, टेंस पढ़ा रहा हूं, मॉडल्स पढ़ा रहा हूं, क्लॉजेस पढ़ा रहा हूं, अचानक से किसी बच्चे को खड़ा किया और उससे पूछा, बता तू ये टॉपिक क्यों पढ़ रहा है। बच्चा निरुत्तर, कोई जवाब नहीं। उसके ज्यादा अगर पीछे पढ़ा तो बोलेगा, सर आप पढ़ा रहे हो ना, इसलिए पढ़ रहा हूं। अरे बेवकूफ, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, तू बता क्यों पढ़ रहा है। तो बच्चे के पास कोई जवाब नहीं। अगर ज्यादा पीछे पढ़ेंगे ना तो उसका एक इनोसेंस आंसर आता है, जो वास्तव में करेक्ट भी होता है, सर ये सब पढ़ रहे हैं ना, इसलिए पढ़ रहा हूं। अच्छा, फिर उनसे पूछा, भैया तुम क्यों पढ़ रहे हो, उनका भी सेम जवाब, सर ये सब पढ़ रहे हैं इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो ये होता है विदाउट पर्पज, बिना किसी उद्देश्य के। और जब हम विदाउट पर्पज पढ़ते हैं ना तो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते, अर्थात हम कुछ नहीं सीख पाते, सीख कर भी कुछ नहीं सीख पाते। और दूसरे 1% ऐसे स्मार्ट लोग होते हैं जो हर चीज को विद पर्पज करते हैं, यानी उन्हें पता होता है कि हम ये क्यों सीख रहे हैं, इसको सीखकर हमें क्या मिलने वाला है, इसका यूज क्या है। तो ध्यान रखना, आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि कोई भी टॉपिक सीखने का सही तरीका क्या है। सही तरीका बहुत सिंपल सा है, बस आप दो क्वेश्चन लगा दो किसी भी टॉपिक में। पहला क्वेश्चन होना चाहिए आपका कि कोई भी टॉपिक यह है क्या करता है, मतलब क्या काम आता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब इसको पढ़ने से क्या होगा, ये करता क्या है या क्या काम आता है। दूसरा, सीखने के बाद, मतलब सीखना कैसे माने कि हम सीख गए, तो वो ये होना चाहिए, यह कैसा दिखता है। अब देखिए, जो थ्योरी मैंने आपको बताई ना, वो एक यूनिवर्सल थ्योरी है, यानी सभी चीज पे अप्लाई होती है। आप मैथ पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, जीके पढ़ लो, कुछ ही पढ़ लो, सब पर ये दो चीजें लागू हैं। मतलब लाखों करोड़ों लोग विदाउट पर्पज पढ़ रहे हैं, और 1% स्मार्ट है जो विद पर्पज, उन्हें पता है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसके रीजन क्या है, इसको पढ़ने से क्या लाभ होगा, हमारी डेली लाइफ में इसका यूज क्या है। और ध्यान रखना, जो 1% है ना, वही किसी मुकाम पर पहुंचते हैं, बाकी 99% बस सब चल रहे हैं ना, इसलिए घिसे पिटे चलते जा रहे हैं। चलो, कुछ टॉपिक्स के साथ मैं इस बात को रिलेट करूंगा और बताऊंगा कि किसी टॉपिक के पीछे अगर हम ये दो क्वेश्चन लगाएं तो वो टॉपिक आसानी से हमारे दिमाग में कैसे जा सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो हर वीडियो में दी जाती है, जानकारी ये है, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर पसंद आती है, समझ में आती है, और आप चाहते हो कि सारे टॉपिक्स आपको सिक्वेंस में मिल जाए, एक साथ मिल जाए, विद पीडीएफ नोट्स मिल जाए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने सारे इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में 1 by 1 करके सीरियल से कवर किया है विद पीडीएफ नोट्स। हां, मेहनत लगी है, एक्स्ट्रा एफर्ट है, तो थोड़ी फीस है, आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो परचेज बिल्कुल मत कीजिए। यहां पे धड़ल्ले से पढ़ाता हूं, अक्सर कहता हूं सिखा के छोड़ूंगा। देखिए, मेरा पढ़ाने का एंगल थोड़ा अलग है, जैसे आज का वीडियो है, अगर किसी ने इसको गौर से देख लिया ना तो निश्चित ही उसकी पढ़ने की डायरेक्शन बदल जाएगी। और हाँ, पढ़ाऊंगा एक जानकारी हो रहा है, यदि कोई स्पोकन सीखना चाहता है तो उस महेश गुरुजी एप्लीकेशन के पेड कोर्स में स्पोकन का कोर्स भी अवेलेबल है, आप चाहें तो वो भी परचेज कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक टॉपिक लिखा, क्लॉज, ठीक है, काफी कठिन टॉपिक माना जाता है। अब देखिए, क्लॉज फेमस है भैया, क्लॉज क्या होता है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो समझ में नहीं आता कि क्लॉज होता क्या है। अरे भैया, इसका कोई यूज है इसलिए क्लॉज चल रहा है, इसलिए इतना फेमस है, लेकिन पकड़ा कैसे, ये दिखता कैसा है, इसको पढ़ने से क्या होगा। देखिए, अक्सर कहता हूँ, ऐसा कोई टॉपिक नहीं, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई टर्म नहीं, कोई थ्योरी नहीं जो हमारे दैनिक जीवन में, हमारी डेली लाइफ में यूज ना होती हो। जैसे देखिए, जब तक आप इस तरह का सेंटेंस बोल रहे हो कि मैं घर आया, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आई केम होम, बहुत सिंपल है, फुल स्टॉप लगा दो, यहां पर ये एक सेंटेंस है, ठीक है। अब फिर आप आगे बता रहे हो कि मेरा भाई टीवी देख रहा था, तो मैं घर आया, आई केम होम, आगे क्या बता रहे हो आप, मेरा भाई टीवी देख रहा था, तो फुल स्टॉप लगा के आप क्या बोलोगे, माई ब्रदर वाज वॉचिंग टीवी, बात खत्म, ठीक है। मैं घर आया, मेरा भाई टीवी देख रहा था, एक सेंटेंस, ठीक है, बात खत्म। लेकिन क्या हम हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, हम ऐसे ही तो बोलते हैं, जब मैं घर आया, मेरा भाई टीवी देख रहा था, तो अगर आपने ऐसे बोला कि जब मैं घर आया, ठीक है, अब आपके बोलने का पैटर्न बदल गया, जब मैं घर आया तो फिर मेरा भाई, अब आप एक साथ ही बोल रहे हो, जब मैं घर आया तो भले लगा दो, हम हिंदी में लगाते हैं, तो मेरा भाई अगेन टीवी देख रहा था, ठीक है, ये हो गया।
अब आपने इसको देखो, मैं घर आया, मेरा भाई टीवी देख रहा था, अब भी बात वही है, लेकिन अक्सर हम ऐसे बोलते हैं, हमारा लहजा ये होता है कि जब मैं घर आया तो मेरा भाई टीवी देख रहा था, यानी जब आप घर आए ना उस वक्त एग्जैक्ट आपका भाई क्या कर रहा था। तो जब आपने इसको ऐसे कहा ना तो फिर हम क्लॉजेस का यूज करेंगे, फिर हम इसको ऐसे बोलेंगे जब, जब की इंग्लिश क्या होती है व्हेन, तो व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आया कॉमा। अब देखिए, अब मैंने एक वीडियो बनाया तो की कोई अंग्रेजी नहीं होती, इससे आपको नहीं डरना है, तो फिर आप अब यहां पे फुल स्टॉप नहीं कॉमा लगाइए, माय ब्रदर वाज वाचिंग टीवी, बस ये हो गया भैया आपका क्लोज। अब देखिए यहां पर एक सेंटेंस था, यहां पर एक सेंटेंस था, लेकिन अब ये सेंटेंस नहीं कहे जाएंगे, अगर आपने दो बातें किसी सेंटेंस में दो जानकारी एक साथ दी है इस लहजे में तो फिर वो क्लॉजेज कहलाएंगे। एक क्लॉज ये रहा, एक क्लॉज ये रहा, जो चीज ऊपर सेंटेंस थी नीचे क्लॉज हो गई, क्योंकि हमने इसको एक साथ बोला है। अब जो क्लॉजेज है ना वो दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है मेन क्लॉज, एक होता है सबोर्डिनेट क्लॉज, उस थ्योरी में हमें नहीं जाना, हमें सिर्फ एक देसी जनरली ये क्या करता है, ये सेंटेंस में काम में आता है जब हम कोई दो बातें तीन बातें एक साथ बोलें, बोलते हैं ना वह फेल हो गया क्योंकि नहीं पढ़ा था, ठीक है क्योंकि, तो फिर ये क्लॉजेज हो गए। जैसे यदि तुम नहीं पढ़ते हो तुम फेल हो जाओगे, तो देखो एक तो तुम नहीं पढ़ते हो अलग बात है, तुम नहीं पढ़ते हो मतलब तुम पढ़ता नहीं है तो तुम नहीं पढ़ते हो, ठीक है तुम फेल हो जाओगे अलग बात है, लेकिन अगर हमने ऐसा बोला यदि तुम नहीं पढ़ते हो तो तुम फेल हो जाओगे, तो फिर दोनों क्लॉजेज कहलाएंगे, उनमें से एक मैन होगा एक सबोर्डिनेट होगा। इन पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं थ्योरेटिकल, वो आप जाकर देख लेना। तो यहां पर ये देखिए, अब जिसमें कोई सबोर्डिनेट कंजक्शन लगाओ, ये तो फ्रेश सेंटेंस है तो मैन क्लॉज है, इसमें व्हेन एक सबोर्डिनेट कंजक्शन है, जिस मतलब जिस क्लॉज में कोई सबोर्डिनेट कंजक्शन जुड़ा हो वो सबोर्डिनेट क्लॉज होता है, वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और जो फ्रेश हो वो मैन क्लॉज होता है, उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो देखिए, जब मैं घर आया मेरा भाई टीवी देख रहा था, ऐसे देखिए आप कह रहे हो कि यू डोंट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो, ठीक है एक बात हो गई, एक सेंटेंस कहलाएगा, और यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, दूसरी बात हो गई, तो तुम नहीं पढ़ते हो तुम फेल हो जाओगे, एक तो यह तरीका होता है, लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते, हम बहुत ऐसे बोलते हैं यदि तू नहीं पढ़ता है, यदि तुम नहीं पढ़ते हो तुम फेल हो जाओगे, तो फिर क्या करेंगे, फिर इसमें इससे पहले इफ लग जाएगा, इफ यू डोंट रीड। अब ध्यान रखना, जिस सेंटेंस में कोई सबोर्डिनेट कंजक्शन टंग गया वो सबोर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब इनका नाम यहां पे सेंटेंस सेंटेंस क्लॉज क्लॉज, कौन सबोर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज, तो इफ यू डोंट रीड यदि तुम नहीं पढ़ते हो कॉमा यू विल फेल तुम फेल हो जाओगे, ये सबोर्डिनेट क्लॉज है और ये मेन क्लॉज है। तो भैया इनकी आवश्यकता है, हम बोलते हैं, अब देखो क्या काम करता है, बोलचाल में काम आता है, जब बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, टर्म के साथ बातें कहते हैं, रीजन के साथ बातें कहते हैं, तो इनका यूज होता है। दूसरी बात, कैसा दिखता है, तो भैया ये ऐसा दिखता है, जब मतलब एक बड़ा सा सेंटेंस हो उसमें दो सब्जेक्ट दो मेन वर्ब हो तब फिर उसमें क्लॉजेज होते हैं, कोई मैन होगा कोई सबोर्डिनेट होगा। अब जो सेंटेंस होते हैं वो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ये अलग थ्योरी है, लेकिन मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि चीज़ों को ऐसे लॉजिक के साथ पढ़ो, हमेशा अगले दिमाग में जाएंगी, और फिर उनका जनरल यूज। अब देखिए ये कैसा दिखता है, इस थ्योरी को थोड़ा आगे बढ़ा दो, जब भी आप जैसे छोटे छोटे सेंटेंस है सेंटेंस है, लेकिन जब इस तरह के सेंटेंस आए तो फिर आपके दिमाग में एक मैसेज जाए, अच्छा ये क्लॉजेज हैं, अच्छा ये सबोर्डिनेट कंजक्शन है। अब कंजक्शन कितने प्रकार, मतलब बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन अंदर जाने का, टॉपिक में अंदर जाने का बेसिक तरीका ये होना चाहिए कि आप ये दो क्वेश्चन करो। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लो, देखो जैसे मैं कहूँ, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, राम हमेशा सोचता हूँ कि वीडियो को 10 से 15 मिनट में खत्म कर दूंगा, लेकिन जब शुरू होता हूँ ना तो यार यही बता दो यही बता दो, ये मेरी सबसे खराब आदत है, इसलिए वीडियो लॉन्ग हो जाते हैं। तो राम इज माय फ्रेंड, अब आप में से कहोगे सर बहुत से व्यूवर्स, सर हमें तो मजा आता है आपके लॉन्ग वीडियोज में, लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी होते हैं जो अरे यार 30-40 मिनट का वीडियो कौन टाइम खराब करेगा, छोड़ो, मतलब लोगों के पास टाइम ही नहीं है, पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं है, कमाल की बात है यार। और हमें तो फ्री में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, राम इज माय फ्रेंड, ठीक है, ही लिव्स इन अमेरिका, जैसे ये दो सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस है, आपने जानकारी दी, राम मेरा दोस्त है वह अमेरिका में रहता है, लेकिन हमारा लहजा ये भी तो हो सकता है कि राम जो अमेरिका में रहता है ना मेरा दोस्त है, राम जो अमेरिका में रहता है मेरा दोस्त है, बोलो बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते हैं, अगर बोलते हैं तो फिर वो चीज है इस दुनिया में, फिर क्लॉजेस की आवश्यकता पड़ेगी, फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे राम हु लिव्स इन अमेरिका, राम जो अमेरिका में रहता है सॉरी इज माय फ्रेंड, मेरा दोस्त है, बस बात खत्म। तो राम जो अमेरिका में रहता है मेरा दोस्त है, तो इसने को हु लिव्स इन अमेरिका,
एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि सबॉर्डिनेट क्लॉज तीन तरह के हो सकते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। जो ऊपर वाले थे ये एडवर्ब क्लॉज थे, और हु लिव्स इन अमेरिका, यहाँ पर राम की विशेषता बताई जा रही है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, इनमें सब्जेक्ट वर्ब होता है। और मेन क्लॉज जो बचा वो दो जगह बिखरा पड़ा है, राम इज माई फ्रेंड, ठीक है, ये मेन क्लॉज है, सबॉर्डिनेट क्लॉज है, सबॉर्डिनेट क्लॉज में ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो ध्यान रखना, कोई भी चीज बेवजह नहीं चल रही, कोई साजिश नहीं है कि क्लॉजेस पढ़ाओ बच्चों को समझ में नहीं आएंगे फिर बच्चों के मुंह से निकलना चाहिए यार क्लॉज बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है यार, बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। जब हिंदी में बोलते हैं ना तो सब जानी पहचान लगती है, लेकिन इंग्लिश में गई फिर थोड़े से थ्योरेटिकल वर्ड्स बोलते हैं ना तो घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। आपने 150 ऐसे क्लॉजेस वाले सेंटेंस देख लिए ना, आइडेंटिफाई दिमाग खुद कर लेगा, अच्छा ये वाला है, एक बार थ्योरी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब जैसे ये टॉपिक हो गया क्लॉज, अब बढ़ते हैं आगे, चलो अब ये चीज मॉडल्स के साथ देखते हैं कि मॉडल्स क्या करता है। तो देखिए मॉडल्स क्या है, मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे एमआर वाजवर अक्सर बताता हूँ, ऐसी मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब है। तो फिर देखिए, फिर जब वो हेल्पिंग वर्ब है तो फिर ये इनकी क्या आवश्यकता पड़ी, इनकी आवश्यकता है भाई, उन्हीं उनसे काम नहीं चल रहा। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम रीडिंग इंग्लिश, एक सेंटेंस है, ठीक है, इसमें आप एक जानकारी दे रहे हो कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। अब काम क्या कर रहे हो आप, रीडिंग मैन वर्ब है और एम हेल्पिंग वर्ब है, तो आई एम रीडिंग मैन वर्ब हेल्पिंग वर्ब, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। तो क्या हम अक्सर ऐसे ऐसे बोलते हैं हमेशा कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि भाई किसी ने पूछा कि भाई तू अंग्रेजी पढ़ सकता है क्या, तो आप क्या बोलोगे, हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। तो वहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आप सिर्फ टाइम की, ये जो एम है ना ये सिर्फ समय को बता रहा है कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब आप बोलोगे मैं पढ़ सकता हूँ तो वहाँ पे आप टाइम नहीं बता रहे हो, वहाँ पे आप क्या बता रहे हो, क्षमता बता रहे हो। तो फिर आप कैसे बोलोगे, आई कैन रीड इंग्लिश, बस मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, रीड, हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन, मतलब मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब ही है लेकिन थोड़ी सी ताकतवर हेल्पिंग वर्ब है, मतलब थोड़ी सी अतिरिक्त चीज़ बताती है, क्या क्षमता को बताती है, पॉसिबिलिटी संभावना को बताती है, रिक्वेस्ट निवेदन, परमिशन अनुमति, या फिर जैसे एडवाइस सजेशन सलाह सुझाव, इन चीज़ों को बताती है। तो एक बात बताओ, हम सलाह नहीं देते हैं क्या, हम क्षमताओं को नहीं बताते हैं क्या, हम मतलब संभावना की बात नहीं करते, जब बात करते हैं पर जिस चीज़ का यूज है, जो चीज़ की जाती है, निश्चित ही उसमें टॉपिक तो बनेगा, तो मॉडल बन गया भैया। जैसे अब देखो इसी में आप कहो कि मैं पढ़ सकता हूँ, यहाँ पे आप अगर कैन लगाया तो इसका मतलब आपने अपनी दम बता दी, अपनी एबिलिटी बता दी, अपनी क्षमता बता दी। लेकिन अगर आप ऐसे कहो कि आई मे रीड इंग्लिश, आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, आई मे रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, दोनों में ही सकता हूँ बोल रहा है, फिर अंतर क्या है, अंतर यही है कि यहाँ पे कैन एबिलिटी को दिखा रहा है और आपने मे लगाया ना तो पॉसिबिलिटी है, आप बोल रहे हो मैं पढ़ भी सकता हूँ नहीं पढ़ सकता हूँ, डाउटफुल मामला है, मतलब यहाँ पे अब जो मे है ना वो पॉसिबिलिटी का भाग व्यक्त करता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन पॉसिबिलिटी बताता है, और कैन क्या बताता है, एबिलिटी बताता है। एक आप ऐसे कहो खुद से ही कि आई शुड रीड इंग्लिश, अब देखो अब आप बोल रहे हो कि मुझे अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, यानी आप खुद को सजेस्ट कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, या फिर आप मतलब कोई आपसे कहे ये यू शुड रीड इंग्लिश, तो मैं अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, तो फिर इसमें क्या भाव है, इसमें सलाह का भाव है। तो कहने का मतलब है ये भी हेल्पिंग वर्ब हैं लेकिन थोड़े से ताकतवर हेल्पिंग वर्ब हैं, जो हमारे मनोभावों को बताते हैं, हमारी क्षमताओं को बताते हैं, संभावना को व्यक्त करते हैं, या फिर रिक्वेस्ट की बात करते हैं, परमिशन की बात करते हैं, या फिर एडवाइस सजेशन की बात करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हर टॉपिक का कोई यूज है। अब यह क्या करता है, तो हमारे मनोभावों को दिखाता है, हमारी मेंटलिटी को दिखाता है। दूसरा कैसा देखता है, तो भैया ऐसा देखता है कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और इनके जस्ट बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, सेकंड थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म नहीं आती। ये मॉडल के साथ एक खास बात है, एक टेक्निकल बात है जो आपको दिमाग में रखनी है। ऐसी कोई भी टॉपिक ले लो आप, जैसे देखो अब टेंस की बात करें तो देखो टेंस काफ़ी फेमस है, ठीक है, अंग्रेजी मतलब सीखने के लिए सबसे पहला टॉपिक सजेस्ट किया जाता है कि टेंस सीखे। लेकिन टेंस क्या करता है, तो देखिए टेंस किसी भी सेंटेंस में, मतलब सेंटेंस क्या है, जानकारी। जैसे अभी मैं यहां पे लिखूं आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, मैं रोजाना सुबह घूमने के लिए जाता हूं। अब देखो इसमें क्या है, कुछ मत देखो आप, तो बस ये देखो मैं बोल रहा हूं मैं रोजाना सुबह घूमने जाता हूँ। मैंने जो बोला तो आपके दिमाग में क्या गया, अरे कुछ नहीं, मैंने अपने बारे में बताया यार कि मैं सुबह घूमने जाता हूँ, मतलब मैंने जानकारी दी। तो जब हम जानकारी शेयर करते हैं ना, तो जिस चीज़ के माध्यम से करते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, वो एक सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। जानकारी बिना सेंटेंस के तो जा नहीं सकती। अब सेंटेंस में ये अलग बात है कि टेक्निकल कुछ चीज़ें होती हैं, वो ग्रामर बताती है भैया पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, मैं वो अलग बात है, ठीक है। अच्छा तो जानकारी किससे दी, सेंटेंस से। अब सेंटेंस में जो जानकारी दी है ना,
पर जो बातें हैं वो समय के अनुसार तीन तरह की हो सकती है ना। वही प्रेजेंट की बात कर रहे हो तुम, जो बात कर रहे हो उसमें प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। एक तो मैं कहूँ कि मैं घूमने जाता हूँ, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट की बात है, ये काम अक्सर होता है, मतलब मैं वर्तमान में जाता हूँ। एक मैं घूमने जाता था, एक मैं घूमने जाऊँगा, जानकारी अब भी है, अब भी सेंटेंस है, लेकिन उस जानकारी के अंदर समय कौन सा है। तो ध्यान रखना, इसमें जब गो आ रहा है ना तो ये फर्स्ट फॉर्म है। अब एक स्ट्रक्चर बनता है इंग्लिश में कि सब्जेक्ट के साथ अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या फिर सब्जेक्ट सिंगुलर हो उसमें एसीएस लगाओ तो प्रेजेंट टेंस को शो करती है। मतलब सेंटेंस में प्रेजेंट, मतलब जानकारी में सेंटेंस नहीं, जानकारी में प्रेजेंट टेंस होता है। अब मैं यहाँ पे कहूँ, देखो आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। अब जैसे मैंने ये एक सेंटेंस लिखा, एक जानकारी कि मैं कल दिल्ली गया था, तो अब इसमें जो जानकारी दी कि दिल्ली गया था, ये काम कब हुआ, पास्ट में। पास्ट को दिखाने वाला वर्ड क्या है, वेंट, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म जब होती है तो पास्ट को बताती है कि भाई कोई एक्शन पास्ट में हुआ था। एक मैं ऐसे कहूँ कि आई विल बाई अ कार टुमारो, मैं एक कार खरीदूंगा, ठीक है, आपने सुन लिया, मैं कल एक कार खरीदूंगा। अब इसमें जो समय है उस काम का वो कब है, फ्यूचर है। फ्यूचर को बताने वाला वर्ड क्या है, विल है। अगर मैं कहूँ जैसे आई एम टीचिंग यू, तो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें भाई मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, मैंने तुमसे कहा, लेकिन मैं कब पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग पढ़ा रहा, एक्शन चल रहा है कब, एम क्या मतलब प्रेजेंट है, तो मैं प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान रखना, जो जानकारियाँ होती है, जो सेंटेंस होते हैं, उनमें जो टेंस जो टॉपिक है ना, वो हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से या फिर मेन वर्ब के खास फ्रेम के माध्यम से हमें समय का आभास कराता है कि भाई जानकारी में समय क्या है, बस टेंस इतना सा काम करता है। अभी दिखता कैसा है, तो भैया दिखने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये कुछ मतलब टेक्निकल चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। मतलब बहुत ही सिंपल थ्योरी है, जैसे लग गया तो आप देख लो, जैसे कि टॉपिक है पैसिव वॉइस, ठीक है, तो पैसिव वॉइस क्या करता है, तो भैया ये ऑब्जेक्ट को, ये कुछ नहीं करता यार, हमारी आदत है, कई बार हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, मतलब काम की बात करते हैं, करने वाला कौन उसकी बात नहीं करते, हम काम को हैवी बना देते हैं, भाई काम क्या चल रहा है। जैसे मैं कहूँ, एक तो जैसे देखो, जैसे अवर विलेज रोड, हमारे गांव की सड़क, इज बीइंग बिल्ट, हमारे गांव की सड़क बनाई जा रही है। भाई हमारे गांव की सड़क है, मतलब सड़क है ही नहीं, बहुत साल से नहीं, लोग इंतजार कर रहे थे, अब वो सड़क बन रही है, तो लोग ये कहेंगे कि मजदूर गांव की सड़क बना रहे हैं, या फिर सबके मुंह से कहें अरे यार सड़क बन रही है, सड़क बन रही है, सड़क बन रही है। तो सड़क क्या चीज़ है, सड़क एक्शन है, सॉरी काम है, ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखना, उसको किसने बनाया, गवर्नमेंट बनाए, मजदूर बनाए, मंत्री बनाए, कोई बनाए नहीं, हमको क्या मतलब है, सड़क बन रही है, हॉस्पिटल खुल रहा है, मैच हो रहा है, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, तो अंग्रेजी, मैच, हॉस्पिटल, सड़क, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये काम किसी द्वारा किए जा रहे हैं, बट इनको करने वाला कौन है हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस जनता को तो काम हो रहा है। तो अब मतलब हमारे गांव की सड़क बनाई जा रही है, इसमें ये अवर विलेज रोड है ना, ऑब्जेक्ट है। तो देखो, खाना बन गया क्या, खाना खा लिया क्या, अब खाना क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन देखो, तुमने खाना खा लिया क्या, तुमने खाना खा लिया, एक तो ऐसा हो, एक खाना, खाना खाया जा चुका है क्या, तो खाना क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो बहुत बार हम काम की बात करते हैं, जब हम काम का जिक्र करते हैं ना, तो हमारे मुंह से जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का निकलता है। अब कैसा दिखता है, तो भैया इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसमें एक तो हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, और टेंस के अनुसार, जैसे प्रेजेंट इंडिफ टेंस है तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, अगर पास्ट की बात है तो वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, अगर कंटीन्यूअस टेंस की बात है तो इज एम आर प्लस बीइंग आएगा, और बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, अगर परफेक्ट टेंस की बात है तो हैज हैव प्लस बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये टेक्निकल बात है, ये आपको देखना। अब कैसा दिखता है, तो भैया ऐसा तो है नहीं कि एक आपने एक सेंटेंस देख लिया और आज के बाद आप फट से तो ये पैसे वे कर, नहीं, हाँ पहले 100-200-500 सेंटेंस आपको पैसे वे के देखने पड़ेंगे, फिर जब कोई टेक्स्ट चल रहा है, कोई पैराग्राफ है, तो उसमें भी आपको देखना आना चाहिए, वहाँ भी आपके दिमाग में बात क्लिक होनी चाहिए, अच्छा ये पैसे वॉइस है, क्यों, स्ट्रक्चर बताएगा ना, क्योंकि पैसे वॉइस हमेशा ऐसे बोलती है। देखो, एक तो आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, इसका मतलब है कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जोर दिया जा रहा है, तो सब्जेक्ट से बात शुरू हो रहा है, लेकिन इंग्लिश आपको पढ़ाई जा रही है, तो इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, मतलब खड़ता नहीं है, ये कोई काम है, तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट यू बाई मी, अब ये पैसिव है।
कि इंग्लिश मेरे द्वारा तुमको पढ़ाई जा रही है, तो कि अब किस टेंस की, देखो ये प्रेजेंट कंटेंस है, इसे हमारा इनफॉर्म आ रही है, लेकिन इंग्लिश इज बीइंग टॉट, जब इस टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं ना तो इसे हमारे साथ बीइंग आता है, फिर थर्ड फॉर्म तो आती है, तो ये पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस को देखना आना चाहिए कि ये दिखता कैसा है, किस टेंस की पैसिव वॉइस कैसे देखेगी। और हाँ, वो लहजे की बात थी यार, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, इंग्लिश इज बीइंग टॉट, पढ़ाई जा रही है, मैं खेल रहा हूँ, खेला जा रहा है, सड़क, एक तो सड़क बन रही है, बनाई जा रही है, खाना और खाया जाना, खाना एक्टिव वॉइस है, खाया जाना पैसिव वॉइस है, पढ़ना एक्टिव वॉइस है, पढ़ा जाना पैसिव वॉइस है, तो उसका लहजा ये होता है। और अब एक बार बताओ, मैं आपको इतनी सारी बातें बताई, इतने टॉपिक बताए, क्या कोई मैं बाहर से लेकर आया, अपनी जेब से निकाला? नहीं, तुम भी बोलते हो, मैं भी बोलता हूँ, अब ये बात अलग है कि हिंदी में धड़ल्ले से बोल रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं कि इंग्लिश में इनका स्ट्रक्चर क्या बनता है। तो जब इंग्लिश में जाते हैं तो इनके नाम दिए जाते हैं, भाई पैसिव है, ये टेंस है, ये फलाना, ये ठिकाना। अब एक बार बताओ, आपके मम्मी आपके फादर कभी स्कूल ले गए, कोई भी है, तो क्या वो टेंस, मतलब सेंटेंस को मतलब सेंटेंस बोलता है उसमें टेंस नहीं होता? होता है। वो क्या पैसिव में नहीं बोलते? बोलते हैं। तो सब कुछ सब होता है, लेकिन ये तो एजुकेशन है, एजुकेशन हमें चीज़ों को डिस्कवर करना सिखाती है कि चीज़ें क्या है, चीज़ें पहले से हैं, लेकिन अच्छा ये वो है, अच्छा ये वो है, इस तरह का होता है। तो ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आज के वीडियो में जो मेरा मकसद था कि किसी भी टॉपिक को सीखने का सही तरीका क्या है, मैं उसमें कामयाब रहा, आपके दिमाग में चली गई होगी, ये दो क्वेश्चन कर लो, पता चल जाएगा। ठीक है, जाने से पहले एक बार फिर से आपको एडवाइस करूंगा, यदि आपको इंग्लिश ग्रामर पसंद है, मतलब उसमें इंटरेस्ट है, और आप चाहते हो कि सारे टॉपिक्स आपको सीक्वेंस में मिल जाए, तो प्ले स्टोर पर जाके आप महेश गुरुजी एप्लीकेशन में से इनको परचेज कर सकते हो। फोर्स नहीं है, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। सारा कंटेंट यूट्यूब पे भी है, लेकिन बिखरा पड़ा है। आप में से बहुत से लोग डिमांड करते हैं कि सर हमें एक साथ चाहिए, सीक्वेंस चाहिए, इसलिए वो कोर्स बनाया गया। और हाँ, आप चाहो तो स्पोकन का कोर्स भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो भैया ये थी वीडियो, ये थी जानकारी। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बहुत नॉलेज है इस वीडियो में, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये जानकारी, ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।